मुकेश हरियाणी की सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त की खास खबर आप जान रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं एमपी न्यूज लाइव। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संपन्न हुआ मोतियाबिंद नेत्र शिविर, नवनियुक्त प्रभारी एसपीएम एडिशनल एसपी ने उपस्थित होकर किया शिविर का शुभारंभ। राम सरोज समूह के संस्थापक स्वर्गीय रामशंकर केसरवानी एवं समूह की मातृशक्ति स्वर्गीय सरोजनी देवी केसरवानी की स्मृति में सोमवार को सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में राम सरोज समूह के सदस्य समाज सेवी संजीव केसरवानी, समाज सेवी शैलेश केसरवानी एवं समाज सेवी अखिलेश मोनी केसरवानी द्वारा विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री, प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उइके, एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा, समाज सेवी शैलेश केसरवानी व समाज सेवी अखिलेश मोनी केसरवानी ने उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। शिविर में 489 लोगों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। इसमें से 46 लोगों के मोतियाबिंद की शिकायत के चलते उन्हें ऑपरेशन के लिए तत्काल रूप से चित्रकूट रवाना किया गया, जहां डॉक्टर्स की विशेषज्ञ टीम द्वारा सभी 46 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। सागर मध्य प्रदेश मुकेश हरियाणी की खास रिपोर्ट। कि आज सूर्या मल्टी स्पेशलिटी में हमारी माताजी स्वर्गीय श्री सरोजनी देवी केसरवानी, पिता श्री रामशंकर जी केसरवानी प्राता वंदनीय, उनकी स्मृति में आज मोतियाबिंद जो कि बहुत भयंकर समस्या बन चुका है और लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी इससे, जब हमने इस दर्द को जाना कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लगभग 20,000 रुपए खर्चा आता है और जो रोगी हैं जो वहन नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने प्रयास किया कि क्यों ना ये ऐसा प्रयास किया जाए उनको निःशुल्क ऑपरेशन हो। तो चित्रकूट के हमारे बंधु उनसे मेरी बात हुई और आदरणीय कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब से जो कि प्रभारी एसपी उनसे मेरी बात हुई, आदरणीय डॉक्टर साहब आप आइए ना प्लीज, डॉक्टर संजीव के जो कि हमारे पुराने मित्र और भाई भी हैं और पुलिस में मतलब अपना एक नाम बना के रखे, इन सबसे मेरी बात हुई और जब मैंने इनको चर्चा की कि भाई साहब एक ऐसा जनसेवा का कार्य हम कर रहे हैं कि निःशुल्क रोगियों को लगभग 100 ऑपरेशन हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी अपनी सहमति दी कि नहीं ऐसे जनसेवा कार्य में हम भी आएंगे। चूंकि आप लोगों का शेड्यूल बहुत व्यस्त था पर एक जनसेवा कार्य में एक प्रशासन का एक संदेश जाता है, उस संदेश को भी देखते हुए हमने आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनहित के कार्य में अगर आप ये संदेश भी लोगों को देते हैं कि फला जगह में निःशुल्क काम हो रहा है, फला जगह में ऐसे व्यवस्था हो रही है, वो भी एक धर्म कार्य है, तो आप लोगों को बताएं कि ये निःशुल्क ऑपरेशन हर माह की 8 तारीख को अपने सूर्या मल्टी स्पेशलिटी में होगा और हम लोग निःशुल्क करेंगे। आने जाने का, रहने खाने का पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है, बाद में चश्मा भी हम देंगे, बस आपको एक आधार कार्ड अपना देना है और एक मोबाइल नंबर आपको देना है कि मान लो आपका ऑपरेशन होता है और उस दौरान कोई तकलीफ आती है तो आप लोग को नंबर देंगे तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। ऐसा एक कार्य हम लोग कर रहे हैं और मैं हर बार यही कहता हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसे कार्य में आप सभी नगरवासी हमारा सहयोग करें तो हम इस कार्य को और आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों से भी चर्चा होगी, इसमें जो भी बाधाएं हैं वो उससे डिस्कस करेंगे। आपने बुलाया और हमें बोलने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी बाड़ी को प्रणाम देता हूँ। भारत माता की।